हेलो दोस्तों, मैं हूं इंडियन स्पोर्ट्स गेमर और स्वागत है आपका फीफा 20 के नए वीडियो में। यहां पे हम खेल रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। उधर मैच चालू है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका क्रिकेटिंग टीम में, तो यहां पे हम खेलेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फुटबॉल में। हम हैं वेम्बली स्टेडियम, आइकॉनिक स्टेडियम में, और देख सकते हो आप कितने सारे इंडियन सपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद, और साउथ अफ्रीका भी प्लेयर है, साउथ अफ्रीका भी फ्लैग्स आपको लहराते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे खड़े रहेंगे इंडियन नेशनल एंथम के लिए, पीछे भारत का ब्यूटीफुल झेंडा, तो नेशनल एंथम के लिए खड़े रहते हैं। और भारत का नेशनल एंथम खत्म यहाँ पे, और सब प्लेयर्स ध्यान से सुन रहे थे, खड़े रहते थे, बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर। साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम चालू है, ये ख़त्म होने के बाद हम आगे का लाइनअप वगैरह स्किप करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे किक ऑफ में, क्योंकि समय बहुत कीमती है और उसको वेस्ट करना गलत बात है। तो इंडिया किक ऑफ करेगी, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच है और हम हैं वेम्बली स्टेडियम में। दोनों कंट्रीज का फुटबॉलिंग रैंकिंग उनके क्रिकेट रैंकिंग से नीचे है, पर ज़रूर क्रिकेट के टीम्स भी कम है, फुटबॉल के ज़्यादा है, पर दोनों को ज़रूर दोनों ज़रूर कंट्रीज चाहेंगे कि एक समय ऐसा है जब उनका फुटबॉल रैंकिंग क्रिकेट रैंकिंग जितना हो। और क्या पास दिया था वॉली पे शूट करने गए, पर नहीं बीट कर पाए वो डिफेंडर को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। आप देख सकते हो चैनल पे ऑलरेडी फीफा 20 एक करियर मोड सीरीज चालू है, और फीफा 20 के वोल्टा स्टोरी का भी वॉक थ्रू अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। चाहते वापस मैच की तरफ, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका उनका पहला अटैक कर रही है। क्या क्रॉस करेंगे, क्रॉस किया, डिफेंडर थे, अच्छा डिफेंड किया, अच्छा क्लियरेंस दिया, और ये दूर से शॉट मारा गोलकीपर का अच्छा से, और लकीली उन्होंने जो सेव किया वो रिबाउंड था, वो इंडियन प्लेयर के पास ही था, तो अगर वो साउथ अफ्रीका प्लेयर के पास जाता तो गोल होता। और ये क्या बेहतरीन पास दिया है दूर से, और ये चांस, पहला चांस, शूट किया पर डिफेंडर ने पहले बॉल ले लिया था। बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक इंडिया का, हालांकि असफल रहा, पर इम्प्रेस ज़रूर हुआ है। और यहाँ पे ढूंढ रहे जगह जिधर से अंदर घुस सकेंगे और गोल मार सकेंगे। यहाँ पे प्लेयर डी में आ गए हैं, अभी फिर से डिफेंडर ने रोक दिया। कोशिश कर रहे थे नीचे जो दो अटैकर्स खड़े थे उनको पास करने का, पर जगह नहीं मिली पास करने को। और हम ये मैच खेल रहे हैं प्रोफेशनल डिफ़िकल्टी में, तो अगर ये मैच इंडिया नहीं जीता तो डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहेगा। हालांकि साउथ अफ्रीका का रैंकिंग इंडिया से बेटर है, उनका फीफा रेटिंग भी इंडिया से बेटर है, पर इंडिया को ये जीतना पड़ेगा। और ये अच्छा ले लिया है बॉल, पर बाहर गया, तो साउथ अफ्रीका के पास फिर से बॉल, और वो कोशिश करेंगे गोल करने की। 27 मिनट हो गए, अभी तक एक भी गोल नहीं, और ये अच्छा पास, ये अच्छा पास फिर से दिया, और ये इंडियन प्लेयर ने रोक दिया, और बहुत ही बकवास पास था वहाँ पे, और इसलिए साउथ अफ्रीका फिर से अटैक के लिए, और वीक शॉट, और इसका मतलब इंडियन गोलकीपर को कठिनाई नहीं बॉल रोकने को। फिर से एक बार घटिया पास इंडियन डिफेंडर का, और यहाँ पे अच्छा चांस है क्योंकि बहुत सारे अटैकर्स है ऑलरेडी रेडी, और ये बीच में आ गए इंडियन प्लेयर, अच्छा इंटरसेप्ट किया, नीचे प्लेयर को पास करेंगे, कोशिश करेंगे बॉल को आगे लेके जाने की। फिर से लंबा पास दिया, और बहुत ही बढ़िया पास, फिर से एक बार ये एक अच्छा पास, नीचे जाएंगे भंडारी को, भंडारी ढूंढ रहे जगह मिलेगी क्या, पर नहीं मिल पाई,
और वो एक प्रॉब्लम, इंडिया के ज़्यादा लोग आगे अटैक करने के लिए नहीं आ रहे, तो जो आगे 3 लोग हैं उनको ही सब करना पड़ रहा है और उनको मुश्किल हो रही है साउथ अफ्रीका के डिफेंस को ब्रीच करने की यहाँ पे। और एक चांस, और डिफेंडर ने अच्छा रोका, गेस किया कि इधर आ सकता है पास, और वैसे रोका। और ये फाउल नहीं दिया, फाउल सामने वाले प्लेयर ने क्लियरली अपने प्लेयर को गिराया, नहीं तो हम आगे जा सकते थे, तो फाउल देना चाहिए था वहाँ पे। 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम और अभी तक एक भी गोल नहीं दोनों कंट्री से। और ये ताऊ के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके फोटोज़ है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के फोटोज़ है, इंडियन प्लेयर्स के फोटोज़ नहीं है। और उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है कि क्या क्या फीफा कर सकते हैं इंडियन फैंस के लिए, तो वो भी आप चेक करिए अगर आपने नहीं चेक किया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ की समाप्ति और साउथ अफ्रीका और इंडिया का स्कोर है 0-0 फर्स्ट हाफ के बाद। और अगर आपने देखा होगा, 1 सेकंड में मैंने स्किप किया, पर 1 सेकंड में जो आपने देखा होगा तो पोजीशन भी 50-50% है, तो दोनों टीम को समान चांसेस कह सकते हो। पर ताकि अगर आपने देखा होगा तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने अटैक ज़्यादा किया इंडियन प्लेयर्स से, और ये अच्छा रन था नीचे, प्लेयर जोर से भाग रहा था तो उसको अच्छा रोका। और ये पास ऊपर देख सकते हो तो फ्री है प्लेयर, पर ठीक से पास नहीं कर पाए। और ये कोशिश है ये इंडियन प्लेयर्स की कि लंबा पास दे और जो उनके विंगर है उनको अटैक करने का चांस दे। पर उससे एक प्रॉब्लम ये रहा है कि जब तक वो पास जाते तब तक बहुत कम प्लेयर्स आगे बढ़ सकते, और इसलिए जब वो अटैक कर रहा तो बहुत कम प्लेयर्स उसको सपोर्ट करने को होते हैं। यहाँ पे एक चांस, और क्या पास दिया है, बहुत ही बेहतरीन पास, यहाँ पे शूट किया पहला शॉट, पर वो भी डिफेंडर ने बीच में आके रोक दिया। पर अच्छा अटैक, अच्छा इम्प्रेसिव अटैक, क्या इस पे और बिल्ड कर सकते हैं भारतीय प्लेयर्स, और ये क्लियर कर दिया साउथ अफ्रीकन डिफेंडर ने। पहला सब्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका की तरफ से, अभी तक इंडिया ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। और ये बॉल को बाहर जाने से रोका, अच्छा क्रॉस, और ला आखिरी मिनट पे साउथ अफ्रीका के डिफेंडर ने हेडर देखे क्लियर किया। 1 सेकंड के लिए ऐसे लग रहा था कि गोल हो जाएगा। और यहाँ पे एडवांटेज प्ले किया है, और फ्री किक देना चाहिए था वहाँ पे इंडियन प्लेयर को, और वो प्लेयर गिर गया इसलिए उसको पास दिया, वो भी गलत गया। तो आई थिंक रेफरी को वहाँ पे फ्री किक देना चाहिए था एडवांटेज प्ले करने से बेहतर। ये देखो अटैक, अच्छा क्रॉस, पर साउथ अफ्रीका अटैकर्स नहीं आए। यहाँ पे इंडिया काउंटर अटैक करने की कोशिश, और बढ़िया पास यहाँ पे भंडारी का रन, पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर आ गए बीच में और रोक दिया। 67 मिनट्स हो गए हैं अभी तक 0-0 स्कोर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, देखते कोई अच्छा अगर प्लेयर होगा, फास्ट होगा तो उनको लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पलन की जगह पे नाटकर निकल आते हैं और कोशिश करते हैं अटैक। और ये देखो साउथ अफ्रीकन प्लेयर को चांस, कोई डिफेंडर मौजूद नहीं, यहाँ पे हलांती अटैक कर रहे हैं, अच्छा क्रॉस किया और गोलकीपर ने बहुत ही बेहतरीन सेव किया। और पलन ने क्लियरेंस नहीं दिया, उनको चाहिए कि इंडिया अटैक कर, ये बहुत ही घटिया पास, मुझे ऊपर पास करना था और पास बहुत ही बकवास गया। ज्वेन और अच्छा पास वहाँ पे कोई, और क्या सेव किया, ओ हो, बॉल गोलकीपर के आगे चला गया था पर उसने, वो आगे जा रहा था, उसको खींच के वापस उसके तरफ लाया और बॉल को रोका, बेहतरीन सेव यहाँ पे इंडियन गोलकीपर का चटर्जी। और क्या इंडिया भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मोमेंटम उनके साथ है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर डिसअपॉइंटेड होंगे वहाँ पे। क्लियर ऐसे लगा गोल गया, और देखा तो कीपर ने रोक दिया था। अरे अच्छा पास यहाँ पे प्लेयर है, नीचे पास दिया, और क्या ढूंढ सकते प्लेयर को, यहाँ पे ओपन है प्लेयर, शूट किया और पहला शॉट ऑन टारगेट कह सकते हैं हम यहाँ पे इंडिया का, पर साउथ अफ्रीकन गोल कीपर ने रोक दिया और साउथ अफ्रीकन प्लेयर को येलो कार्ड दिया है। देखते क्यों, किस चीज़ के लिए येलो कार्ड दिया, क्योंकि मेरे नज़र में कुछ नहीं था।
और यहाँ पे प्लेयर को गिराया था इसलिए येलो कार्ड। तो क्या फ्री किक मिलेगी? नहीं, साउथ अफ्रीका कोई फ्री किक, शायद वहाँ पे इंडियन प्लेयर ऑफ साइड था इसलिए, और ये हेडर वीक था और इसलिए वापस पोजीशन साउथ अफ्रीका के पास गया है। 80 मिनट्स हो गए, मतलब आखिरी के 10 मिनट है, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका बहुत ही बेहतरीन अटैक, और क्या टैकल किया है, दो बार टैकल किया है पर फाउल दिया है, और फ्री किक दे दिया है साउथ अफ्रीका को आखिरी 5 मिनट प्लस स्टॉपेज टाइम, और साउथ अफ्रीका को फ्री किक मिले बहुत ही बेहतरीन पोजीशन से। क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं साउथ अफ्रीका, देखते हैं। यहाँ पे शूट किया और बहुत ही बढ़िया शॉट था, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्री किक था साउथ अफ्रीका का, ये देखो ऑन टारगेट, और लास्ट मिनट पे फिर से गोलकीपर चटर्जी ने रोक दिया, और अभी तक साउथ अफ्रीका 2-0 अप हो सकते थे अगर चटर्जी गोलकीपर नहीं होते। तो क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, अभी तक इंडिया मैच में तो सिर्फ चटर्जी के बदले यहाँ पे पिल्लई को लाया है, कोशिश है कि आखिरी 4 मिनट में इंडिया कुछ अटैक कर सके, तो देखते क्या इंडिया अटैक कर पाएगी यहाँ पे, या फिर हम डायरेक्ट जाएंगे पेनल्टी शूटआउट में। पर उसके पहले साउथ अफ्रीका के अटैक को रोकना पड़ेगा, दूर से शॉट मारा और इंडियन प्लेयर रोक दिया और पास किया है यहाँ पे काउंटर अटैक की कोशिश, और ज़्यादा प्लेयर आगे नहीं है, डिफेंस करने के लिए आए थे इसलिए रुकना पड़ेगा जब तक आगे जाए प्लेयर्स। ये अच्छा पास, और ये 2 मिनट का स्टॉपेज टाइम दिया है सिर्फ, इसमें कुछ तो करना पड़ेगा, और ये अच्छा पास, ये चांस यहाँ पे ओपन है और पास करने गए, पर उसके पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंडर ने रोक दिया था। इसका मतलब 90 मिनट्स में 0-0 स्कोर हुआ है और हम जा रहे हैं पेनल्टी शूटआउट में, और देख सकते इंडिया के पास पोजीशन ज़्यादा था, यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे पेनल्टीज में, और देखते क्या इंडिया अफ्रीका को हरा सकती है। यहाँ पे आपने देखा इंडिया के गोलकीपर अभी तक बेहतरीन गोलकीपिंग कर रहे थे, तो अगर पेनल्टी शूटआउट में भी ऐसे ही गोलकीपिंग किया तो ज़रूर जीतेंगे। पहला गोल आराम से मार दिया है इंडिया ने यहाँ पे, साउथ अफ्रीका पहला चांस, और ये चूक गए, गोलकीपर थोड़े लेट थे पर शायद रोक नहीं पाते, पर साउथ अफ्रीकन गोलकीपर अटैकर ने बॉल पोल को मार दिया और चूक दिया है, और ये मैंने कोशिश की थी अगर गोलकीपर कोई साइडवेज जंप करे तो रोक सकते हैं, पर गोलकीपर नहीं मारा, पर इंडिया ने भी रोक दिया है। इसका मतलब 2 पेनल्टी किक्स में 1-0 स्कोर है, और यहाँ पे इंडिया को मारना ही पड़ेगा, कोशिश करें थोड़ा टॉप कॉर्नर मारने की, या कि अगर जंप मारा तो भी, अरे डिफ़िकल्ट थोड़ा कंट्रोल करना, भंडारी और ये कीपर को बीट किया आसानी से, 2-1 से लीड करे, अगर इंडिया यहाँ पे सेव किया तो बहुत ही एडवांटेज होगा, और ये बाहर ही मार दिया, बराबर दिशा में जंप मारा था पर बाहर ही मार दिया। यहाँ पे एक अगर गोल मारा तो इंडिया जीत जाएगी, अगर ये गोल मारा तो इंडिया जीत जाएगी। क्या देश पांडे फिनिश कर सकते, नंबर 10 जर्सी है, क्या फिनिश कर सकते हैं, और फिनिश कर दिया, सेंटर में शॉट मारा, उसको कीपर को लगा कि इधर डायरेक्शन में जाएंगे इसलिए उन्होंने डायरेक्शन में जंप मारा, और बहुत ही स्मार्ट किक लिया, और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फुटबॉल मैच में हरा दिया है। आई होप क्रिकेट मैच में भी हराए। आप नीचे कमेंट करिए आपको कैसा लगा, क्या आपको और भी मैचेस देखने, जो मैचेस देखने मैं आपके लाऊंगा, तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी फीफा 20 करियर मोड और वोल्टा मोड का वीडियोस देखिए, WWE के वीडियोस भी आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मैं हूँ इंडियन स्पोर्ट्स गेमर, शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पर। यहाँ पे देख सकते हो सेलिब्रेशन इंडिया का, और हम एक बार कंफर्मेशन आने के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, तब तक के लिए रुकेंगे क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए, इंडियन फैंस खुश दिख रहे, और ये कंफर्मेशन 0-0, इंडिया विन 3-0 ऑन पेनल्टीज, बाय बाय।